ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि इनको नहीं पकड़ा तो ऐसे कुंड में गिर जाएंगे कि स्वयं बर्बाद होंगे, सो तो होंगे होंगे लेकिन पीढ़िया लेकर के डूब जाएंगे। चरित्रहीनता किस स्तर पर बढ़ रही है दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के पास में 1000 रुपए के मोबाइल नहीं थे, आज हर जेब में से लाख लाख 50-50 हजार के मोबाइल निकल रहे हैं। पहली महाराज बुढ़िया होता तो पूछो खर्च वगैरह कोई अगर कथा जागरण होती तो मंदिर में ही कर ले को ये त्रिपाड़ियां लगा करता इन तरह डोम लागदा। अच्छा मंदिर तो हम 40 लाख 50 लाख करोड़ रुपया लगा करके बना देते हैं लेकिन इन बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। गांव के जस्ट मंदिर के पीछे बैठे लोग ताश पर ताश भटकते हैं। चाहे काम कोई भी कर रहे हो लेकिन जो ही मंदिर की घंटी बजे और आरती जय जम्बेश्वर की और वो पुजारी गुरुची नो बोले रो पग हम गुरु तो कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्टेज पर खड़ी है, ये बच्चे जो है ना ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि इनको नहीं पकड़ा तो ऐसे कुंड में गिर जाएंगे कि स्वयं बर्बाद होंगे, सो तो होंगे होंगे लेकिन पीढ़िया लेकर के डूब जाएंगे। गांवों में नशा कितना बढ़ रहा है, चरित्रहीनता किस स्तर पर बढ़ रही है दिखाई नहीं दे रही है। जिस गांवों में जिन घरों में लोग नाम ले लेकर के उदाहरण दिया करते थे कि फलाने परिवार की क्या बात करते हो बड़ा चरित्रवान परिवार है, उन परिवारों का चरित्र जो चौराहे पर उड़ रहा है, तो ऐसे ये स्थिति डमाडोल क्यों हो रही है। क्योंकि हम लोगों में भौतिकता के संसाधन बहुत बढ़ाए हैं, भौतिकता के संसाधनों में कमी नहीं रही है। मैं भी सराहना करूंगा कि भौतिकता के संसाधन हमारे बहुत बढ़ रहे हैं। लोगों के पास में 1000 रुपए के मोबाइल नहीं थे, आज हर जेब में से लाख लाख 50-50 हजार के मोबाइल निकल रहे हैं, यह भौतिकता में उन्नति है। कूलरें बढ़ रही है, कोई पहली महाराज बुढ़िया होता तो पूछो खर्च वगैरह कोई अगर कथा जागरण होती तो मंदिर में कर ले को ये त्रिपाड़ियां लगा करता इन तरह डोम लागदा इधर बढ़िया टेंट लागता। इसमें तो हम उन्नति कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टेंट लगा रहे हैं, लाखों रुपए के खर्चे कर रहे हैं लेकिन हमारे चरित्र गिर रहे हैं, हमारे समाज की संस्कृति और मान मर्यादाएं बिगड़ रही है। और मैं आपसे कहूं कि केवल हमारा मन इन भौतिक संसाधनों को बढ़ाने में लगा रहा, मोबाइल गाड़ी कार टेंट बढ़िया सुविधाओं में लगा रहा और चरित्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया, समाज की मान मर्यादाओं और समाज में जो चल रही संस्कृति है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इन टेंटों में बैठेगा कौन। उन भगवान के चरित्र और भगवान के नियमों को कौन कौन समझेगा। अच्छा मंदिर तो हम 40 लाख 50 लाख करोड़ रुपया लगा करके बना देते हैं लेकिन इन बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा है? संध्या के टाइम में आरती कौन बोलेगा, सुबह सुबह मंदिर में बैठ करके मंदिर में चौक में गाय का घी लेकर के गुरुचीन हो गुरुचीन पुरोहित कौन शब्द उच्चारण करेगा। और जब हमारे केवल मंदिर बनते गए लेकिन मंदिर में शब्द बोलने वालों की संख्या घट गई तो क्या संस्कृति को बचा पाओगे, कैसे रक्षण हो पाएगा संस्कृति का। अरे गांव में मंदिर तो बना लिया लेकिन जब मंदिर का फायदा मैं तो तब मानता हूं कि गांव में अगर 200-300 घर है तो कम से कम 100-150 की संख्या आरती के टाइम होना तब समझना चाहिए कि मंदिर बना करके हमने लाभ प्राप्त किया है। मैंने कई जगहों पर संध्या के टाइम में गांव में से कई गांव में से निकला हूं, किसी गांव का नाम नहीं लूंगा, गांव के जस्ट मंदिर के पीछे बैठे लोग ताश पर ताश भटकते हैं और उसी मंदिर में लाख रुपए 50 हजार बोले हमने भी चंदा दिया है तो क्या फायदा हुआ, केवल पत्थर चिनाने का। फायदा तो तब है जब आप चाहे काम कोई भी कर रहे हो लेकिन जो ही मंदिर की घंटी बजे और आरती जय जम्बेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की ये ध्वनि आए तो आपके गवाड़ में चाहे आप जहां भी बैठे हो आपके पग उठने के लिए तैयार हो जाए और मुंह मंदिर में जाकर के आरती गाने के लिए तैयार हो जाए तब समझना कि मंदिर बनाने का लाभ हमने प्राप्त किया। मंदिर बनाया है हमने, मंदिर के सामने सामने घर है, मंदिर में पुजारी राख दियो 10 हजार रुपया देर और वो पुजारी गुरुची नो बोले रो पग हम गुरु तो
कहां मंदिर का लाभ प्राप्त किया है? छोटे छोटे बच्चे हो, कई गांवों में मैंने बहुत शांति का अनुभव किया है। उन गांवों में जब जागरण होती है और जागरण के बाद में सुबह जब हवन में शब्द बोलते हैं, तो कई गांव ऐसे हैं। धन्यवाद है उनके माताओं को, धन्यवाद है उस गांव के बुजुर्गों को, धन्यवाद है उस गांव की मिट्टी को जिसमें ऐसे लोग आज भी जीवित है। जब जागरण होती है 20-40-50 लोग जितने भी बैठते हैं ना, हर आदमी के कंठ से वो शब्द निकलता है, पूरे 120 शब्द निकलते हैं, और ऐसे लोगों को देखते हैं तो एक आशा जगती है। शब्दों से प्रेम भी बढ़ता है, शब्दों से मन भी आह्लादित होता है, लेकिन वो हो तो फायदा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।